Costa Nuno Gomes, aí. Vou pedir. Ei, vou pedir. इसमें हम दो चीजें ज्ञात करनी है, ये दे रखे हैं घर के कोई आइटम दे रखे हैं, ये एक क्विंटल, ये एक पॉइंट दो क्विंटल, ये चालीस क्विंटल पॉइंट चालीस क्विंटल और ये फिर क्या है पॉइंट दस क्विंटल, और ये दे रखा है आपके रेट दे रखी है पर क्विंटल की। हमें दो चीजें ज्ञात करनी है, तो समांतर माध्य ज्ञात करना है अर्थमेटिक मीन, दूसरा है भाई समांतर माध्य मतलब वेटेड अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ये भी समान, ये भी आपके माध्य ही है और ये भी क्या है माध्य ही है, थोड़ा अलग बताने के लिए हमने क्या लगा दिया है डैश लगा दिया, थोड़ा अलग दिखे मतलब वो समांतर माध्य से थोड़ा अलग दिखे। सबसे पहले समांतर माध्य देखो ये भार है, ये क्या है भार क्विंटल, तो ये है आपके W जो भारित औसत विधि में ही काम आता है, समांतर माध्य में काम नहीं आता। इसके लिए ये क्या हो गई आपकी कुछ, ये सिंपल है मतलब पहली वाली वो सबसे पहली पंक्ति थी व्यक्तिगत श्रेणी है, तो मतलब ये आपकी पर्सनल श्रेणी है, ये आ जाएगी एक्स और ये आ जाएगा डब्ल्यू। अगर आपको केवल समांतर माध्य ज्ञात करना है तो इनसे ज्ञात कर लो, उत्तर क्या ज्ञात करने का सिग्मा एक्स बटा एन, मतलब इनकी क्या कर लो जोड़ कर लो, तो जोड़ करने पर आता है 150 प्लस 1600 प्लस 400 प्लस 80, ये होता है 2230 बटा एन, एन कितने बोलो चार संख्याएं हैं, तो चार का भाग दिया तो ये आया है 557.5। अब है भारित, साथ में भार साथ में लेते हुए, तो मतलब ये भार है और ये दोनों भार लेते हैं, यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू एक्स, जैसे घटा एफ एक्स तो डब्ल्यू एक्स, भार को साथ में जोड़ लो गुणा करना है तो कितना होता है 150 × 1 150 होगा और 1.20 × 1600 ये हो गया 1920, चार चौक 16 160 और ये कितना हो गया आपके 8, सबको ऐड कर लो 150 प्लस 1920 प्लस 168 हो गए साथ में, ये हो गए 2238। अब हमें क्या करना है भारित समांतर माध्य, तो क्या होगा जैसे माना कि एफ ही है, माना कि एफ ही है, उसका फॉर्मूला क्या था सिग्मा एफ एफ बटा सिग्मा एफ, तो यहाँ क्या है भार है तो यानी डब्ल्यू एक्स बटा क्या हो जाएगा सिग्मा डब्ल्यू, मतलब इनकी जोड़ भी साथ लग जाएगी, एक दो दो पॉइंट कितना हो जाएगा चार दो छः और एक सात 70, ये आ जाएगा आपके 2238 भाजक 2.70 2238 भाजक 2.7 ये हो जाएगा आपके 828.90 आया ऊपर।